तो दोस्तों, दीपक नाइट्राइट अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 1961 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 1722 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में देखे तो बढ़ के 1991 करोड़ के आसपास हो गया है। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों देखे तो दोनों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। एक्सपेंस की बात करें तो 1739 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, अभी देखे पिछले साल 1422 करोड़ था, जबकि अभी देखे तो 1723 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 174 करोड़ था, पिछले साल 242 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 209 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या हुआ है। 12.79 पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल 17.78, जबकि अभी तो 15.33 रुपये के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर क्वार्टर क्वार्टर नंबर देखें तो अच्छे हैं, साल दर साल भी अच्छे हैं रेवेन्यू के मामले में, लेकिन कंपनी ने बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं किया इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।